हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम हलवाई जैसे खस्तेदार और क्रिस्पी शक्कर पारे। और इसको खस्तेदार और क्रिस्पी बनाने का इसमें एक सीक्रेट है जो आपको वीडियो के बीच में मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये आपको देखने में ही पता चल जा रहा है कि कितना खस्तेदार बना हुआ, कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम शक्कर पारे बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, आप चाहे तो बड़ा सा बाउल ले सकते हैं या परात भी ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें मैदा। तो मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है, छानने के बाद में ही हम इसका यूज करेंगे। तो मैदा हमने यहाँ पर 3 कप लिया और 1 कप हमारा 250 ग्राम का है। और जिस कप से हमने मैदा लिया है उसी कप से हम शक्कर भी लेंगे। तो शक्कर भी हमने यहाँ पे 1 कप लिया है, 1 कप से यानी कि थोड़ा सा कम लिया है, 1-2 चम्मच कम लिया है। तो अब हम इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर ऐसे डालने से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और पीस कर डालेंगे तो फटाफट बन जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे। और ये हमने लिया है घी, तो घी हमने लगभग नॉर्मल चम्मच से 4 या 5 चम्मच लिया है। तो घी को हम अच्छे से हीट करेंगे, घी से धुआं निकलना चाहिए, हमें उतना हीट करना है इसको। अगर आप चाहे कि मेल्ट किया हुआ घी है उसका हम डाल दें तो उससे आपका जो खस्ता है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, आप उसको गर्म करके डालिए, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदे में और इसको मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो घी है वो एकदम गर्म है, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो इसको सावधानी से मिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे, पर आप थोड़ा ध्यान देकर मिक्स करिएगा वरना हाथ जल जाएगा इसमें। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें मोइन परफेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, हमने ये जो लड्डू बनाए वो बिखर जा रहे हैं, यानी कि इसमें मोइन परफेक्ट नहीं है, तो हम सारे घी को इसमें डाल देंगे। मोइन हमें उतना ही डालना है जिससे कि अच्छे से ये मूठी बन जाए। अगर आप इसमें मोइन ज़्यादा डाल देंगे तो आप जब उसको ऑयल में डालेंगे ना, तो ऑयल में डालते से ही ये बिखर जाएगा, इसीलिए मोइन इसमें उतना ही डालना है जिससे कि अच्छे से ये मूठी बन जाए। तो ये देख रहे ना, मूठी अच्छे से बन जा रहा है। तो अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ शक्कर का पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ये नॉर्मल पानी है, पानी हमने ज़्यादा ठंडा भी नहीं लिया और ज़्यादा गर्म भी नहीं लिया, यानी कि नॉर्मल पानी है। तो इसका हम हार्ड डो तैयार करेंगे, जितना हो सके उतना हार्ड डो इसका तैयार कीजिएगा, जैसे खस्ते का डो तैयार करते हैं ना, वैसे ही इसका भी डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसका हार्ड डो तैयार कर लिया है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। और ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था ना, तो उसमें से हमने आधा ही पानी डाला है और आधा पानी बच गया, तो इसको हम साइड में हटा देंगे। और ये जब 5 मिनट के बाद में ना, ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है, देख रहे हैं थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसको नहीं गूंथना है, इसको बस ऐसे ही मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शक्कर पारे का जो लेयर है ना, वो अच्छे से दिखेगा। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसका हम बॉल बना लेंगे ऐसे करके। और इसका जो बॉल है वो चिकना नहीं बनता है, थोड़ा सा दरारे इसमें रह जाता है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे। और हमने यहाँ पर एक चकौटी ले लिया है और अब हम इस पर लोई को ऐसे रखकर चारों तरफ फैला लेंगे उंगलियों से दबाते हुए। और अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे। और ये देखिए, हमने इसको बेल लिया है। और इसका जो थिकनेस है उसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, यानी कि मीडियम में रखना है। देख रहे ना, हमने इसको मीडियम में ही रखा है। तो अब हम इसको चारों तरफ से ये कट कर लेंगे, नहीं तो इसको हम ऐसे ही डालेंगे ना ऑयल में तो ये बिखर जाएगा, क्योंकि ये फटा हुआ है तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएगा और आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको किनारे से चारों तरफ का निकाल लेना है। और अब हम इसको बर्फी शेप में कट कर लेंगे, आप जिस शेप में चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको गोल किसी ढक्कन से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको बिस्किट जैसा कट किया है, जैसे बिस्किट का शेप होता है ना, वैसे ही हमने इसको भी कट किया है।
और ये एक में चिपकता नहीं है, आप चाहे तो एक बार में 3-4 भी उठा कर रख सकते हैं, नहीं चिपकेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो ऐसे ही करके हम सारे शक्करपारे को बेल लेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए, और दूसरी तरफ हमने ऑयल भी रख दिया हीट होने के लिए। और ये देखिए, हमने सारे शक्करपारे को कट कर लिया है और इसका जो थिकनेस है वो हमने मीडियम में ही रखा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है। और ऑयल भी हमारा हीट हो गया है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डो डाल के कि हमारा ऑयल ज़्यादा हीट तो नहीं हुआ है। और ये देखिए, डालते से ही पहले इसमें बबल्स आए और थोड़ी देर के बाद में ये ऊपर आए, यानी कि हमारा जो ऑयल है एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे शक्करपारे को हम डाल देंगे। और अगर आपका ऑयल ज़्यादा हीट हो जाएगा तो आपका शक्करपारे ऊपर से तो लाल हो जाएगा पर वो अंदर से कच्चा ही रहेगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम इसको फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए, तो हम कढ़ाई को थोड़ा सा हिला देंगे। ये देखिए, ऐसे ही करके हिला देना है। और ये देखिए, देख रहे ना, ये ऊपर से पिंक हो गया, यानी कि गुलाबी हो गया है। तो अब हम इसको स्पैचुला से ऐसे करके हम पलट देंगे, यानी कि हम दूसरी तरफ से ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और इसको अच्छे से पलटना है, एकदम सावधानी से पलटना है, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, गर्म जब रहता है तो ये सॉफ्ट रहता है, तो इसको सावधानी से पलटना है। अगर आप जल्दीबाजी में इसको पलटेंगे तो ये तेल में टूट जाएगा और आपका सारा ऑयल ख़राब भी हो जाएगा। और ये देखिए, देख रहे ना, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, बहुत ही सुनहरा कलर आया है। तो इसको हम अभी ऑयल से बाहर निकालेंगे तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। और ऐसे ही करके हम सारे शक्करपारे को निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। इससे क्या होगा कि जितना भी ऑयल रहेगा इसमें वो सारा ऑयल निकल जाएगा। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद में देख रहे ना इसका कलर कितना डार्क हो गया है। और ये जो इसमें लेयर दिख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस है, बाकी का जो बचा हुआ शक्करपारा है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ऑयल अगर आपका ज़्यादा हीट हो जाए तो आप गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दीजिए और उसके बाद में इसमें डालिएगा बाकी का बचा हुआ शक्करपारे। उससे क्या होगा कि आपका जो शक्करपारे वो क्रिस्पी बनेंगे, करारे बनेंगे और जलेंगे भी नहीं। तो इसको भी हम 2 मिनट के बाद ऐसे हिला देंगे कढ़ाई को, ये तले से चिपकेगा नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो इसको भी हम स्ट्रेनर में ही निकालेंगे। इसमें का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा ऑयल निकल जाएगा। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद में देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क कलर आ गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे शक्करपारे को यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है, देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है, करारे बना है। और मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ कि कितना ये क्रिस्पी और कितना करारे बना है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ना इसका आवाज़, कितना ये क्रिस्पी बना है, कितना करारे बना है। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि कैसा बना है। और इसी दिवाली पे बनाइए आप, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम कोई सा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।